2019 के लोकसभा चुनाव में रोजगार के साथ ही किसानों का मुद्दा भी छाया रहा। अंतरिम बजट में किसानों को लुभाने के लिए मोदी सरकार ने पीएम किसान का दांव चला। चुनाव के नतीजों से ये साफ जाहिर होता है कि रूठे किसानों को मनाने में सरकार कामयाब रही। साथ ही घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उन पर भी किसानों ने भरोसा किया। मोदी सरकार ने भी दूसरी पारी शुरू करते ही पीएम किसान योजना का विस्तार किया और किसानों के लिए पेंशन योजना को लागू कर दिया। लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र का सबसे बड़ा वादा अभी भी अधूरा है। अब बजट में मोदी सरकार किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड पर 1,00,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज दे सकती है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि वो दोबारा सत्ता में लौटी तो 1 से 5 साल तक के लिए 0% ब्याज पर 1,00,000 का कृषि कर्ज देगी। बजट में इस वादे के पूरे होने की उम्मीद है। 20-25 सालों में एनसीआरबी का आंकड़ा है कि लगभग 3.25 लाख किसान कृषि संकट के चलते इस देश में आत्महत्या कर चुका है। अब हमारा ये मानना है कि किसानों को उनकी फसलों का एक तो उचित दाम दिया जाए, दूसरा पीएम किसान योजना जो इन्होंने शुरू की है उसमें 6,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ा करके इसको 24,000 रुपये करें। अब बजट में उम्मीद है कि कर्ज संकट से परेशान देश के किसानों के लिए सरकार जरूर कोई न कोई महत्वाकांक्षी योजना लेकर आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो वाकई किसानों का टाइम आ सकता है। आंकड़ों के मुताबिक कर्ज के बोझ तले दबे किसानों की खुदकुशी के मामले इतने ज्यादा हैं कि इससे निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। 1995 से 2015 के बीच ही 3,00,000 किसानों ने कर्ज ना चुका पाने के चलते खुदकुशी कर ली थी। किसानों का भी मानना है कि कर्ज के जाल में उलझे किसानों को बचाना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। किसान के लिए पेंशन की बात हो, खेत मजदूर के लिए पेंशन, इस एक बहुत बड़े कदम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो एक एश्योर्ड जिंदगी जीने के लिए अपने परिवार के साथ काम करने के लिए सफलता से आगे बढ़ेगा। अब बजट में सरकार को खेती किसानी से जुड़े हर तबके के लिए कुछ करने की जरूरत है। पीएम किसान का विस्तार। देश में बहुत से किसान लीज पर जमीन लेकर या जमीन लेकर बटाई पर काम करते हैं जो पीएम किसान में नहीं आते हैं। ऐसे में सरकार उनको इस स्कीम में शामिल कर सकती है या उनके लिए कुछ अलग से योजना ला सकती है। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य। 2014 में सरकार ने किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ। नीति आयोग के मुताबिक किसानों की आमदनी में ना के बराबर बढ़ोतरी हुई है। 2016 के आर्थिक सर्वे के मुताबिक 17 राज्यों में किसान परिवारों की आमदनी 20,000 रुपए सालाना से कम है, यानी 1,700 रुपए महीने या लगभग 50 रुपए हर दिन। ऐसे में किसानों को ये उम्मीद है कि सरकार इस बजट में किसानों के लिए ऐसा कोई रोड मैप जरूर बनाएगी जिससे यह अधूरा काम पूरा हो सके। पानी का संकट। पानी के संकट से भी किसान जूझने को लाचार है। अब तो देश भर के कई शहरों में भूजल के खत्म होने की आशंका नीति आयोग ने जताई है। देश पानी के संकट से गुजर रहा है। आधी से ज्यादा खेती मानसून पर निर्भर है। 2015 में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की थी। इस योजना के तहत अगले 5 सालों के लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। इसके बावजूद अब भी किसान पानी के संकट से जूझ रहे हैं। इस बजट से भी किसानों को वही पुरानी उम्मीदें हैं कि सरकार कोई लॉन्ग टर्म योजना बनाएगी। पानी बचाने उसके बेहतर इस्तेमाल के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। किसानों को फसल का सही दाम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से 2017 के बीच में किसानों को 35,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ क्योंकि उन्हें उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल सका। इससे निपटने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन वो अब भी जमीन पर नजर नहीं आया। किसानों को अब भी उम्मीद है कि सरकार ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे किसानों को अपने खून पसीने की मेहनत का सही मेहनताना मिलेगा। MSP बढ़ाने के साथ ही ग्राहकों और किसानों के बीच बिचौलियों को खत्म करके किसानों को उपज का वाजिब दाम दिलाया जा सकता है।
इसके अलावा भी किसानों की कुछ और मांगे हैं। अगर सरकार इन पर भी किसी तरह का ऐलान करती है तो फिर देश के किसानों के लिए ये बजट वाकई सबसे बेहतरीन टाइम लेकर आ सकता है। सुसाइड करने वाले किसानों के परिवार को नौकरी की मांग कई जगह से की जा रही है। एमएसपी की कैलकुलेशन स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले पर करने की डिमांड रखी गई है। जमीन अधिग्रहण का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होने की मांग की गई है। पुराने डीजल ट्रैक्टरों पर एनजीटी बैन से छूट देने की बात कही गई है। उम्मीद है कि सरकार कुछ मांगों को पूरा करने के साथ ही बाकी पर ठोस भरोसा जरूर दिलाएगी, जिससे किसानों को अपनी फसल को विरोध जताने के लिए सड़क पर फेंकने की नौबत नहीं आएगी।